जी हिंद दोस्तों, की हालचाल। सो गाइज, आइए एडिट करते हैं हमारा आज का न्यूटोन हारमोनियम। पिछले वीडियो में आप लोगों ने इसका रिव्यू देख ही लिया होगा, साथ ही में काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया। तो इस टोन को एडिट करने के लिए हमें दो प्रकार के टोन को एडिट करना पड़ेगा और ये दोनों लेयर में एडिट होगी। उसके बाद बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि उनका जो साउंड है हमारी तरह नहीं बन पाता। उसका मेन कारण ये हो सकता है कि आप लोग या तो वीडियो स्किप करके देखते हो या फिर कोई ऐसा पैरामीटर जो आप लोगों से छूट जाता है। तो प्रॉपर तरीके से जब भी हम किसी भी टोन को एडिट करते हैं तो आपको हमेशा पहला ऐसे बैंक को ढूंढना पड़ेगा जो आपका खाली टोन हो। जैसे मान लीजिए मेरा 13 नंबर बैंक तक सारे टोन फुल हैं, तो उसके बाद जो मेरा 15-16 बैंक है वो खाली रहता है। तो कुछ इस प्रकार का ये खाली रहता है, नो डाटा वगैरह। तो आप लोगों ने ऐसा बैंक का कोई ऐसा नंबर यूज़ कर लेना है जहाँ पर आपका कोई भी टोन ना हो। तो आपको याद रखना है कि हाँ, उसी नंबर पर मेरा ये टोन मुझे एडिट करना है। तो डबल एयर हमारा टोन रहेगा, एक एक करके हम एडिट करेंगे। अगर आपका एडिट करने से पहले यहाँ पर डाटा फुल दिखाता है तो आप लोगों को कोई टोन को डिलीट करना पड़ेगा। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि उनका टोन ही एडिट नहीं होता। उसका मेन कारण है कि आपकी टोन लिस्ट पूरी फुल है, तो आपको कोई ऐसा टोन काट दीजिए जो आपके काम का ना हो। काटने के लिए आपको सबसे पहले तो उस टोन को लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 822 नंबर टोन है, मेरा काम नहीं आता है, तो रिकॉर्ड के बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। यहाँ पर आएगा टोन इन, एक नंबर से बैक आते हैं टोन क्लियर, यस करेंगे, फिर से यस, तो आपका ये टोन कट हो जाएगा। और उसके बाद आप कोई भी टोन एडिट कर सकते हो। अब हम जब भी टोन को एडिट करते हैं, हर बार कहता हूँ कि आपने कीबोर्ड ऑफ करके ऑन करना है। उससे क्या होता है कि हमारा जो कीबोर्ड है डिफ़ॉल्ट मोड में चला जाता है। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है कि जैसे कीबोर्ड ऑन किया तो अभी कीबोर्ड के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं लगा रहता। ये देखिए, बिल्कुल स्टेज पे आना होता है, कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट मोड में है। तो अभी हम जो फर्स्ट टोन एडिट करेंगे, तो मैं अपना पैरामीटर आपको डायरेक्ट दे देता हूँ। मेरा हारमोनियम ये वाला था। इसके लिए हमने जो दो टोन एडिट करी वो 884 नंबर पे है और सेकंड टोन हमारी 806। तो 806 हमारा हारमोनियम है और 884 पे हमारा एकॉर्डियन। दोनों टोन को हम पहले एडिट कर लेते हैं, उसके बाद दोनों को एडिट कर लेयर करके एडिट करेंगे। तो पहला टोन हमारा 806 नंबर पे है। आपने जिस टोन को एडिट करना है वो आपको मिलेगा 339। तो आपने क्या करना है, 339 नंबर वाली टोन को लेना है। अभी सिंगल है, देखिए U1 लिखा रहा है, और इसको आपने क्या करना है, लॉन्ग प्रेस करके रखना है। एक मिनट, ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे 339 नंबर वाली टोन को। तो स्क्रीन पे आएगा अटैक टाइम, आप इसको कहीं पर लिख लीजिए, ताकि काफ़ी लोगों को वीडियो काफ़ी लंबा लगता है। इस वजह से हो सकता है कि आपका पैरामीटर सेम ना रहता हो, बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। तो आप इसको मिला लीजिए। अटैक टाइम 47 नंबर पर रहेगा, लीड टाइम आपने 20 नंबर पर रखना है। आप यहाँ से फास्ट कर सकते हो। उसके बाद 3 नंबर प्रेस करेंगे, यहाँ पर 68 आपने कट ऑफ रखना है। रेसोनेंस आपने यहाँ से 57 नंबर पे करना है। फिर 3 नंबर प्रेस करेंगे, बाइवेट आता है, 6 नंबर से एंटर करेंगे। यहाँ पर जो बाइव टाइप है आपने 2 नंबर पे रखनी है। TRI डेप्थ इसका 33 नंबर पे रहेगा। उसके बाद बाइवरेट 32 नंबर पे, और डीले हमारा 004 नंबर पे। 4 नंबर से एग्जिट करेंगे। अब आते हैं आगे, ऑक्टेव शिफ्ट 0। अब आएंगे आगे, वॉल्यूम हमारा 87 है। यहाँ पर वेलोसिटी सेंस यहाँ पर -18 नंबर पे है, यहाँ से देखिए -18 नंबर पे। उसके बाद रिवर्ब सैंड हमारा 51 नंबर पे है, कोरस सैंड हमारा 17, और डिले सैंड 71। उसके बाद DSP में हमारा ऑफ ही है। बस इसके बाद आपने एग्जिट करना है, फिर से यस, और फिर से यस करनी है। तो आपका जो हारमोनियम है पहला बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। अभी मेरे में डिले आ रहा है क्योंकि मैंने बैंक से आपको पैरामीटर दिया है। इसके बाद आपने दूसरी टोन को एडिट करना है। दूसरी टोन मेरी 884 नंबर पे है। तो आपने जिस टोन को एडिट करना है वो आपको मिलेगी 105 नंबर पे, 105। ये हमारी एकॉर्डियन FRC 3 नंबर पे है। तो अपना पैरामीटर डायरेक्ट दे रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, 105 नंबर टोन लेने के बाद जो फंक्शन बन रहा है लॉन्ग प्रेस करके रखना है। देखिए अभी हम दूसरी टोन एडिट कर रहे हैं, पहली हमने हारमोनियम कर ली है, दूसरी टोन हमारी आ जाती है एकॉर्डियन। अटैक टाइम 62 नंबर पे रहेगा, लीज टाइम भी 62 नंबर पे, कट ऑफ हमारा 72 नंबर पे, रेसोनेंस 70, बायरेटो में 6 नंबर से एंटर करेंगे। यहाँ पर जो वाइब टाइप है वो 2 नंबर पे रखनी है। उसका वाइब डेप्थ 66, वाइब रेट भी 66, और वाइब डिले भी 66। आप कहीं पर लिख भी सकते हो अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही हो तो, या फिर आप चाहें तो वीडियो की सेटिंग में जाके आप वीडियो को स्लो में कर सकते हो।
चार नंबर से एग्जिट करेंगे, फिर से आगे आएंगे, ऑक्टेव स्विफ्ट जीरो रहेगा, वॉल्यूम इसमें 116 नंबर पे, बेल सीट सेंस हमारा 63 नंबर पे, रिवर्ब सेंड 48 नंबर पे, कोरस सेंड 35 और 94 डिले सेंड। अब करेंगे चार नंबर से एग्जिट, फिर से यस, फिर से यस। तो आप लोगों का अभी दो टोन एडिट हो चुका है, तो दो टोन हमारा कुछ इस प्रकार से आता है 106 और एकॉर्डियन। तो आप लोगों का इतना टोन बन चुका है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने वो वाला बैंक ले लेना है जहाँ पर आपने ये टोन बनाना है। तो जैसे मान लीजिए 15 नंबर बैंक ले लिया, इसमें हमने 3 नंबर में या 4 नंबर एडिट करना है। इस प्रकार से आपने बैंक सेलेक्ट कर लेना है पहले ही। अब मैं अपना पैरामीटर आपको डायरेक्ट ही दे रहा हूँ, तो अब आप मिला लीजिए। सबसे पहले तो आपने हारमोनियम वाली टोन लेनी है, थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो अभी आपकी हारमोनियम वाली टोन 806 नंबर पे है, मेरी वाली, आपकी किसी और नंबर पे हो सकती है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो लेयर का बटन दिया गया है इसको प्रेस करेंगे, और उसके बाद आपने जो दूसरी टोन एडिट करी 884 नंबर वाली हमारी है, तो आपने अपनी टोन लेनी है जो भी नंबर में आपकी एडिट हुई है एकॉर्डियन वाली। तो दो टोन हमने लेयर कर दी, U1 U2। इसके बाद आपका जो टोन है कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब आप मिक्सर का सबसे पहले काम कर लीजिए, यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो स्क्रीन में आएगा पार्ट ऑन। और जब भी आपका ये चीज़ एडिट करनी है तो यहाँ पर मिक्सर और कीबोर्ड एक साथ लिखा हो, अगर आपका अकेला मिक्सर आ रहा है तब भी आप एडिट नहीं करना है, आपने 3 नंबर से ऐसा प्रेस करना है कि मिक्सर और कीबोर्ड एक साथ आए। यहाँ पर नंबर ब्लिंक करते हैं, तो यहाँ पर हम नीचे आएंगे वॉल्यूम में, वॉल्यूम हमारा जो फर्स्ट वाला चैनल है देखिए ब्लिंक कर रहा है, इसका वॉल्यूम 127, और 3 नंबर से हम सेकेंड चैनल में जाएंगे तो वहाँ पर 106। अगर आप लोग कोड लगाना चाहते हो स्प्लिट के द्वारा कोई भी, तो आप उसका वॉल्यूम हमेशा 44 नंबर पर रखिए और फोर्थ का 50 नंबर पर। अब हम नीचे आएंगे यहाँ से और नीचे आएंगे रिवर्ब सेंड, तो अभी आपका फोन नंबर हो सकता है ब्लिंक कर रहा हो, आपने एक नंबर में आना है, ब्लिंक कर रहा है, 51 नंबर पे रिवर्ब सेंड रखेंगे और 3 नंबर प्रेस करके हम सेकंड में जाते हैं, तो यहाँ पर रिवर्ब सेंड 48। अब हम फिर से नीचे आएंगे कोरस सेंड, तो कोरस आपने यहाँ पर 35 नंबर पर रखना है सेकंड वाले का, और फर्स्ट नंबर में जाएंगे यहाँ से तो 17 यानी 17 नंबर पे। उसके बाद फिर से दो नंबर प्रेस करेंगे, यहाँ पर सेकंड ब्लिंक कर रहा है, इसका 71 नंबर पर डिले सेंड है, और सेकंड वाले का 94 है, फर्स्ट नंबर का हमारा 71 नंबर पे है। इतना होने का तो आपने एग्जिट करना है, और उसके बाद इस टोन को सेव कर लेना है पहले। सेव से क्यों, क्योंकि आपका जितना पैरामीटर अभी तक आपने लगाया वो सारा की सारा सेव हो जाएगा। सेव करने के लिए आपको स्टोर प्लस उसी नंबर को प्रेस करना है जहाँ पर आपने टोन सेव करना है। इतना होने का तो अब हम फंक्शन में जाएंगे, और फंक्शन में एक नंबर से बैक आते हैं, तो यहाँ पर आता है आपका सबसे पहले इक्वलाइजर, जो आपने 11 नंबर पर रखना है, 11 नंबर यानी यूज़र पे। उसके बाद डिले हमने यहाँ पर 40 नंबर का यूज़ करा हुआ है, कोरस एंड हमने यहाँ पर 01, और रिवर्ब हमारा 15 नंबर का। अब फिर से एग्जिट करेंगे, और आपने फिर इसको स्टोर कर लेना है एक बार फिर से, तो आपका जो टोन है सेम हमारी तरह से बन गया होगा। इसके अलावा इसमें कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं आती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जल्दी कोई ना कोई सलूशन आप लोगों के लिए लिए जाएगा, ताकि हो सकता है कि आपके कीबोर्ड की सेटिंग कोई और हो और हमारे कीबोर्ड में कोई और ही सेटिंग हो, जिस वजह से आपका जो स्पीकर यानी आउटपुट का साउंड है कुछ अलग जाता हो। तो गाइज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए ताकि हम पढ़ सकें और इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।